गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लॉथ्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ा था, और नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़े थे, जिसमें नेचुरल फाइबर के एडवांटेज के बारे में पढ़ा था और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज, सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज, इसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद डिटेल्स में पढ़ा था कॉटन के बारे में और जूट के बारे में। आज देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूट। जूट इज नोन टू हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूज। जूट का भी क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन। यह क्या है, कॉटन के बाद क्या है, सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइबर है। जूट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फाइबर। जूट क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली फाइबर है, यानी इससे एनवायरमेंट का क्या होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। एच इट इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल, यानी यह क्या है, कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, मिल जाता है, सड़ गल जाता है, यानी ये नहीं, इसका अवशेष नहीं बचता। एंड कैन बी रिसाइकल्ड, और इसे दोबारा फिर से तैयार भी किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक द बेस्ट क्वालिटी इंडस्ट्रियल यार्न, फैब्रिक, नेट्स एंड सैक्स। इसका यूज किया जाता है अच्छे क्वालिटी का इंडस्ट्रियल यार्न बनाने में, फैब्रिक बनाने में, नेट बनाने में और सैक्स बनाने में। इट हैज़ ए गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जलने की जो क्षमता होती है, वो क्या होता है, बहुत अच्छी होती है। सो दे नेचुरल फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्स। नेचुरल फाइबर जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं। ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारा एनिमल्स प्रोवाइड नेचुरल फाइबर फॉर क्लॉथ, कहते कपड़े के लिए क्या देते हैं, नेचुरल फाइबर देते हैं। उल कम्स फ्रॉम शिप, उल शिप से आता है, लामा से आता है, एपका से आता है, गुनेको से आता है और फिकुना, इन सब से क्या होता है, हमें उल मिलता है। कश्मीरी, कश्मीरी जो सुनते हैं, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी साड़ी सब जाते हैं, वो कश्मीरी गॉट से उसके लिए क्या होता है, फाइबर मिलता है। द लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर कॉमनली कॉल्ड द सिल्क वर्म प्रोवाइड द फाइनेस्ट सिल्क। और सबसे अच्छा सिल्क जो मिलता है वो क्या मिलता है, मॉथ कैटरपिलर से मिलता है, जिसे हम लोग सिल्क वर्म के भी नाम से जानते हैं। द फर फ्रॉम एनिमल, एनिमल का फर जैसे कि मिंक, बीवर, मस्करेट्स एंड रेबिट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन क्लॉथिंग, ये भी कपड़े में पाया जाता है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर्स, दो इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर दैट आर यूज फॉर क्लोथिंग, जिसका यूज किया जाता है कपड़े के लिए। दीज आर डिस्कस्ड बिलो, जिसके बारे में नीचे में दिया गया है। टूडे आज इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 10 उल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, वर्ल्ड में टॉप 10 उल प्रोड्यूसर है। उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल, उल जो ऑब्टेंड किया जाता है एनिमल्स के हेयर से, जैसे कि शीप, कैमल, गोट से। रिमूविंग द उल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शियरिंग। रिमूविंग, हटाना उल को फ्रॉम द शीप, शीप से क्या कहलाता है, शियरिंग कहलाता है। आफ्टर शियरिंग, शियरिंग के बाद द उल इज क्लीन्ड एंड स्पन इनटू फाइबर, उल को क्या क्लीन किया जाता है और उसे फाइबर में बनाया जाता है। दिस फाइबर इज वूवन एंड क्निटेड, इसे गूथा जाता है टू मेक वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ बनाने के लिए। क्निटिंग यूजेज ए सिंगल लॉन्ग यार्न, क्निटिंग में यूज होता है एक सिंगल लॉन्ग यार्न, इंटर वूवन आइदर बाय हैंड और मशीन, जिसे क्या कर देते बुना जाता है किससे, या तो हाथ से या फिर मशीन से। उल रिटेन एयर, वो रिटेन करता है एयर को बिटवीन द फाइबर्स, फाइबर्स के बीच से। दैट इज वाई, इसलिए यह फ्लपी टाइप से होता है। दिस इनेबल्स इट टू रिटेन बॉडी हीट, और यह क्या करता है, बॉडी के हीट को मेंटेन रखता है। वुलन क्लॉथ आर देयर फॉर गुड फॉर वियरिंग इन कोल्ड विंटर, इसलिए वुलन क्लॉथ को क्या कहा जाता है, कोल्ड विंटर में, कोल्ड वेदर में पहना जाता है। सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उल। उल क्लॉथिंग डज नॉट क्लिंग टू स्किन, यह क्या था, स्किन को कोई हार्म नहीं करता है। बींग क्रिम्पी, क्रिम्पी होने के कारण उल हैज एबिलिटी टू स्ट्रेच, उल में फैलने की क्षमता होती है। एंड देन रिटर्न टू इट्स नेचुरल लेंथ, और उसके बाद क्या होता है, यह अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता है। उल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, उल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है और ड्यूरेबल, इसका ये जो बहुत दिन तक टिकता है। द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड होल्ड टुगेदर थ्रू ट्विस्टिंग एंड टर्निंग,
और एक साथ जुटे होते हैं किससे, ट्विस्ट होके या फिर टर्न होके। दिस फीचर्स या फीचर मेक्स देम लॉन्ग लास्टिंग गारमेंट, जिस कारण जो फीचर इससे क्या बनाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग गारमेंट्स बनाता है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सलीवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। सिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है, सलीवा से। किसके सलीवा से, सिल्क वर्म के। इट फिट्स ऑन द लिप्स ऑफ मलबेरी ट्रीज, वह क्या करता है मलबेरी ट्रीज के लिप्स से क्या करता है, खाता है उसे। एज इट ग्रो इन टू एडल्ट, जब यह एडल्ट होता है द कैटरपिलर स्पिन से कोकून, वह एक कोकून बनाता है। फिच इज बॉयल्ड इन टू वार्म वाटर, जिसे गर्म पानी में क्या किया, तो बॉयल किया जाता है। दिस किल्स द इंसेक्ट एंड लोशंस, यह इंसेक्ट और लोशंस को ख़त्म कर देता है किसका, कोकून का। इट देन बिकम ईजी टू सेपरेट, इसके बाद ईजी हो जाता है अलग करना। द सिल्क स्ट्रेंज विद द स्पिन इन टू ए डील, उससे निकाल के किसमें, एक डील में। द राव सिल्क इज देन ट्रीटेड, राव सिल्क को उसके बाद ट्रीट किया जाता है, उसे बनाया जाता है। प्रोड्यूस एंड वूवन इन टू सिल्क फैब्रिक, और उसे सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है, यानी सिल्क के सामान बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग सिल्क वर्म, प्रोसेस क्या करना, सिल्क वर्म को कॉल्ड सेरिकल्चर, उसे क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। इसके करेक्ट टेक्टिक्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही, बाय, टेक केयर।